हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज एक महिला स्वयंसेवी संगठन द्वारा आगामी 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारियों के अलावा तमाम अन्य लोग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का पर्व दोनों ही 8 मार्च को पड़ रहे हैं। इसको लेकर महिला स्वयंसेवी संगठन द्वारा 5 मार्च यानी आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसको लेकर संगठन की महासचिव रजनी जोशी ने बताया कि महिलाओं के साथ लगातार शोषण हो रहा है, हर सेक्टर की महिलाएं परेशान हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल तक की महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से पूरे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उससे महिलाएं स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों की ओर इशारा करती हुई रजनी जोशी ने कहा कि पुलिस विभाग में महिलाएं शोषण की बात करती हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी स्वयं ही अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च का दिन महिलाओं के लिए संघर्ष और कुर्बानियों का दिन है। महिलाओं के लिए जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार कर संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए महिला मुक्ति के झंडे को बुलंद करते रहेंगे। ये हम लोग 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और 8 मार्च को होली है, इसलिए हम लोग 5 मार्च को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि इस देश के अंदर जो है लगातार जो है महिलाओं का उत्पीड़न शोषण हो रहा है। हम देखें चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में कर रही हैं, फैक्ट्रियों के अंदर कर रही हैं, स्कूलों के अंदर कर रही हैं या किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, उनका लगातार जो है शोषण उत्पीड़न हो रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं आशा वर्कर से लेकर भोजन माताएँ जो है उन्हें न्यूनतम वेतन तक देश के अंदर नहीं दिया जा रहा है। और अश्लील संस्कृत के कारण आज 3 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की जो माता है वो सुरक्षित नहीं है। तो हम इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो है 8 मार्च का जो दिन है वो महिलाओं के संघर्ष और कुर्बानियों का दिन है, और इसी रूप में हम इसको मना रहे हैं कि आज देश के अंदर जो महिलाओं के लिए चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम स्वीकार कर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः महिला मुक्ति के झंडे को हम बुलंद करेंगे।